इंदौर पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुल्तानपुर के। और यह है पूरा सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा, ये स्टेशन बिल्डिंग। और चलिए टिकट लेते हैं, हम आपको दिखाते हैं टिकट विंडो यहाँ का। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी हम टिकट लेने पहुँच चुके हैं, यहाँ टिकट विंडो से हम टिकट लेंगे बनारस तक का। और ट्रेन भी आ चुकी है शायद हमारी। इंदौर पटना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुल्तानपुर के, और हम इस ट्रेन में जनरल में सफ़र करेंगे। और चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं इस ट्रेन में। अभी ये ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लग रही है। और यह है दोस्तों इंदौर पटना एक्सप्रेस के जनरल का नज़ारा। और हम लोग ट्रेन में आ चुके हैं, और ये भीड़ देखिए, जनरल में सब लोग नीचे बैठे हुए हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस, यह ट्रेन इंदौर से चलकर पटना जंक्शन तक जाती है और टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है 1356 किलोमीटर की। इंदौर से चलकर ये ट्रेन वाराणसी के रास्ते पटना को जाती है, और हमारी जर्नी इस ट्रेन में सुल्तानपुर से वाराणसी तक की है। और ट्रेन का केवल एक ही हॉल्ट है सुल्तानपुर और वाराणसी के बीच में, वह है जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। सुल्तानपुर से चलकर यह सीधा जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन का जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट है, और 2 मिनट के बाद यहाँ से ये ट्रेन रवाना हो जाती है। जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन से एक नई रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है, जौनपुर जंक्शन को कनेक्ट करने वाली रेलवे लाइन जो जौनपुर सिटी में आकर मिलती है। इस रेलवे लाइन पर फिलहाल में CRS हो गया है, और इसमें अब ट्रेनें भी चलना शुरू हो गई है। और जौनपुर सिटी से जौनपुर जंक्शन के लिए अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो गई। अमृत भारत स्टेशन योजना में जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन भी शामिल है, और इसका भी रीडेवलपमेंट का कार्य हो गया। जफराबाद रेलवे स्टेशन को बाईपास करती हुई लाइन को जौनपुर सिटी में जोड़ने के लिए यह फाउंडेशन ट्रैक के लिए बनाया जा रहा है।
अरे आवाज कैसे कैसे नहीं चुका है, चुका है तो अपना कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो यह ट्रैक जा रहा है लेफ्ट साइड में, वही जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करेगा। और दोस्तों यह जो ट्रैक है वो पूरी तरीके से अब फंक्शनल है और इस पर अब ट्रेनों का आवागमन भी शुरू हो गया है। अरे हूँ तो फोन ही नहीं लगे, वो तो अपना हमारे पैसा खाई गए जो वो कहीं देखो। तो दोस्तों हम लोग पहुंचने वाले हैं जफराबाद रेलवे स्टेशन पर, और ये जफराबाद रेलवे स्टेशन का आउटर है। जफराबाद रेलवे स्टेशन वाराणसी डिवीज़न में पड़ता है और इसे वाराणसी डिवीज़न ऑपरेट करता है। दोस्तों जफराबाद रेलवे स्टेशन को पार करने के बाद हमारी मुलाकात होती है साई नदी के पास। साई नदी जो कि गोमती रिवर में मिल जाती है जौनपुर में, और वहां पर उसका संगम होता है। हमारी यात्रा दो ट्रेनों में होने वाली है, इंदौर पटना एक्सप्रेस जिससे हम अभी जा रहे हैं वाराणसी तक, और दूसरी ट्रेन सद्भावना एक्सप्रेस जो हम वाराणसी से गाजीपुर तक जाएंगे। वह ट्रेन भी हमारे इस ट्रेन के पीछे आ रही है जो अभी जौनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, और कुछ ही देर में वहां से वो रवाना होगी। अभी फेस्टिवल का समय चल रहा है, इस वजह से बिहार से यूपी जाने वाली ट्रेनों में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। करीब 40 किलोमीटर और बचा है वाराणसी जंक्शन के लिए। चलिए मिलते हैं वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और आपको वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। और फिलहाल में हमने टिकट लिया था वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का, और हम वहाँ पर आपको टिकट काउंटर भी दिखाएंगे और स्टेशन बिल्डिंग भी दिखाएंगे आपको वाराणसी जंक्शन रेलवे कैंटीन। Gracias.
बाहर के नज़ारों को आनंद लेते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है और वाराणसी में बहुत सारे टेंपल भी सिचुएटेड है। टूरिस्ट प्लेस के लिए ये सबसे बढ़िया स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर भी यहीं पर स्थित है। वाराणसी घाट और कई अन्य टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर मौजूद हैं। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट का कार्य भी चल रहा है और वह भी अपने जोरों शोरों से है। सो फ्रेंड्स, वी अराइव्ड एट वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन और अब हम यहाँ से सद्भावना एक्सप्रेस पकड़ेंगे। पहले चलते हैं टिकट काउंटर पे और टिकट लेते हैं, तो मिलते हैं टिकट काउंटर, आपको दिखाते हैं यहाँ रेलवे स्टेशन का। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आई है वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन के, और सद्भावना एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है। और फिलहाल में तो हम पहले टिकट लेने टिकट काउंटर पे जाएंगे, उसके बाद हम बोर्ड करेंगे। और हमारी जर्नी यहाँ से गाजीपुर तक होने वाली है फिलहाल, और वो ट्रेन भी आने वाली है लगभग। तो बात करें इस रेलवे स्टेशन की, यहाँ का स्टेशन कोड BSB है और यहाँ टोटल 9 प्लेटफॉर्म है, 2 अभी फ़िलहाल निर्माण में है और फिर यहाँ पर टोटल 11 प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। और बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, करीब 300 ट्रेनें रोज़ यहाँ पर हॉल्ट लेती हैं और 45 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और यह है यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 1, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। एस्केलेटर की भी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर बहुत पहले से, और पहले यहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं और उसके बाद यहाँ से बोर्ड करेंगे। निकास वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन का आउटर स्टेशन बिल्डिंग। फिलहाल में हमारी ट्रेन भी यहाँ पर अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, तो जल्दी से चलते हैं और फिर यहाँ से रवाना होंगे हम लोग। और फ्रेंड्स, यहाँ का स्टेशन ऐसा बनाया गया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर टिकट काउंटर है। फिलहाल चलिए देखते हैं, कहीं पे अगर मिलता है तो टिकट लेंगे ना, ऐसे ही चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने टिकट ले लिया है गाजीपुर तक का और अब चलिए चलते हैं, बोर्ड करते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग अभी एक्सकेलेटर पे हैं और स्वचालित सीढ़ियाँ हैं ये जो वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे लगी हैं, लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पे लगाई जा चुकी हैं अब। और रीमॉडलिंग का काम यहाँ पर जोरों शोरों से चल रहा है, स्टेशन रीमॉडलिंग वर्क। जुड़े रहिए रेल टॉक के साथ, हम आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं। Yes.
दोस्तों आपको बता दूं, मैं यहाँ वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मैं बहुत सालों बाद आया हूँ और करीब 5 साल बाद आया हूँ और बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है अब वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। आधुनिक सुविधाओं के साथ ये पूरा एयरपोर्ट की तरह लगता है और अभी आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं एस्केलेटर लगे हुए हैं और पूरी तरीके से ये फंक्शनल है। सारे प्लेटफॉर्म्स में फंक्शनल दिखाई दे रहे हैं। ट्रेन आ रही है, जा रही है, लोग इस पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग बैठ चुके हैं सद्भावना एक्सप्रेस में और अब यहाँ से हम गाजीपुर में मिलेंगे आपको और वहाँ पर हमारी जर्नी समाप्त होगी। गाजीपुर यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। हो भाई जी को उठाओ लोग यार, बैठे दो चार आदमी जाइए हवा दे रहे हैं, जाग जाओ। और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भीड़ को देख कर कि ट्रेन में कितने सारे पैसेंजर्स एक ही साथ बैठे हुए हैं और ये पूरी भीड़ यहाँ वाराणसी जंक्शन से ही हुई है। इससे पहले पूरी ट्रेन खाली थी लगभग और लग रहा है भाई का मोबाइल गिर गया है कहीं। और अब ये चेक कर रहे हैं कि कहाँ पर है मोबाइल इनका, फोन लगा के देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अभी समय हो रहा है करीब 2:20, तो लगभग हम 2:30 यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हमने जर्नी की शुरुआत करी थी हमने 9:00 के करीब, वो भी सुल्तानपुर से। और सुल्तानपुर से हम लोग इंदौर पटना एक्सप्रेस में आए थे और उसे हमने वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। अभी चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन का दृश्य। यह है सद्भावना एक्सप्रेस जो आनंद विहार से रक्सौल को जा रही है। अभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के। रक्सौल को जा रही है सद्भावना एक्सप्रेस, गाजीपुर सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्चर ले रही है। फ्रेंड, यहाँ पर अफीम की फैक्ट्री लोकेटेड है जो एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है यहाँ। और गाजीपुर में जो सबसे फेमस चीज़ है वो है यहाँ का गुलाब जल। अपने गुलाब जल के लिए गाजीपुर सिटी प्रसिद्ध है गाजीपुर, और इसे शहीदों की नगरी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज भी उपलब्ध है और रेलवे का जोनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। मुझे मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहें टॉक के साथ।